फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे आलू की सूखी सब्जी बनाना। इसके लिए हम आलू को उबाल लेंगे। ये सूखी सब्जी बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आती है। इसके लिए हम आलू को उबाल लेंगे। उबालने के बाद इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। ये देखिए, हमने आलू उबला हुआ आलू है हमारा, ये बहुत सॉफ्ट है। इसको हमने ये छोटे छोटे पीसों में कट कर लिया। हमने आलू के छोटे छोटे स्लाइसेस बना लिए, वही हमारे आलू कट के तैयार हैं। अब चलते हैं दोस्तों, हम इस सब्जी को छोक लेते हैं। तो कैसे छोकेंगे, चलिए देखते हैं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे आलू की सूखी सब्जी बनाने के लिए। हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे, उसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, और फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड, थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। हाँ दोस्तों, सूखी सब्जी अच्छे से याद रखें, फिर भी पानी, ये पानी हमने क्यों डाला है, ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से पक जाए और कच्चा मसाला नहीं रहे, क्योंकि सूखी सब्जी में जो होता है मसाला अच्छे से पकता नहीं है। अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी, दो चम्मच धनिया पाउडर। सूखी सब्जी में धनिया हमेशा ज़्यादा डलता है। 1 से 1.25 चम्मच लाल मिर्च और 1 से 1.25 चम्मच ही नमक। फिर देखिए दोस्तों, हमने इसमें सारा मसाला डाल दिया और पानी जो है वो इस मसाले को अच्छे से पकाने में हमारी हेल्प कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो मसाला है वो अच्छे से पक रहा है। गैस के आग को हम फुल कर देंगे। ये जो पके हुए मसाले में हम जो आलू के स्लाइस डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देंगे। हमारा मसाला एक तरह से पकने लगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला पक के अच्छे से रेडी हो गया, रेड कलर का शानदार हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें जो आलू के स्लाइसेस काटे थे वो इसमें डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आलू के स्लाइसेस डालने के बाद हम इसमें अच्छे से मिला देंगे। जो हमारा मसाला है ये अच्छे से सब तरह से मिक्स हो जाए। मसाला पका हुआ है, आलू सीजे हुए हैं हमने जो कुकर में उबाले थे, तो फिर अब हमें केवल इसको अच्छे से मिक्स करना है और हमारी सब्जी रेडी हो जाएगी। तो दोस्तों, हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है और हमारी सब्जी रेडी है। अब इसे सर्व कीजिए पराठों के साथ, पूड़ी के साथ। खाइए, इंजॉय कीजिए और बहुत सारी तारीफ लीजिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि ऐसी और अच्छी टेस्टी टेस्टी डिशें आप देख सकें। ये हमारी आलू की सब्जी रेडी है। हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे पूड़ी बनाना। सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी टेस्टी टेस्टी चीज़ें बनाना आप सीख सकें। सबसे पहले हम थोड़ा सा डालेंगे, उसकी लोई बना लेंगे। थोड़ा सा तेल लगाएंगे और तेल लगाने के बाद चारों तरफ से गोल गोल बेल लेंगे। पूड़ी का जो लोया होता है बहुत छोटा होता है, ताकि हमारी पूड़ी सॉफ्ट और अच्छी बने। ये देखिए दोस्तों, चारों तरफ से घुमाने के बाद हमने ये पूड़ी बेल ली है। अब हम एक कढ़ाई में तेल को गर्म करने के लिए रखेंगे और उसमें इस पूड़ी को तलेंगे। ये देखिए कितनी शानदार पूड़ी हमारी बन गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी पूरी को गरम गरम तेल में डाल देंगे। हमेशा पूरी जब भी डालें साइड से डालें, ताकि आपका हाथ जले नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पूरी तलती जा रही है और फूलती जा रही है। अब हम ये फूली हुई पूरी को एक बार पलट देंगे। हमारी कुरकुरी रात्रि पूरी तैयार होने वाली है विद इन 1 सेकेंड। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पूरी तल के रेडी हो गई है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी कुरकुरी मज़ेदार शानदार फूली हुई पूरी तैयार है। इसे सर्व कीजिए सब्जी के साथ, रायते के साथ। खाइए, खिलाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर विजिटिंग।